अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी फिरनी। ये फिरनी आप 10 मिनट में बना सकते हैं अगर आपके यहाँ पर अचानक मेहमान आ जाएंगे तो। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे, 2 टेबलस्पून रवा लेंगे, 1/3 कप कंडेंस मिल्क, 4 टेबलस्पून शक्कर लेंगे और 3 पिंच हमने ज़ाफ़रान लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स लेंगे अपनी पसंद के, काजू और बादाम लिया है हमने। पहले आप रवे को पानी में सोक कर लेंगे 15 मिनट के लिए, दूध को उबलने के लिए रख देंगे और इसे उबलने के बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेना है। इसके अंदर इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट के बाद आप ये रवा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। रवा मिक्स कर डालने के बाद में आप इसे कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहेंगे वरना इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। जब रवा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम इसे पकाना है। शक्कर डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क डाल लेंगे, बहुत रिच और क्रीमी हो जाएगा ये कंडेंस मिल्क डालने से। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया था, इसे आप 1 टेबलस्पून घी में फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आप इसे फिरनी में डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थिक होने तक हमें फिरनी को पका लेना है लो फ्लेम पे। देखिए जब ये साइड्स छोड़ने लगे इस तरह से बबल्स आने लगेंगे साइड में, यानी कि आपकी फिरनी तैयार है। हमने इसे मिट्टी की कटोरियाँ लिए हैं, इसे धो लिया है अच्छी तरह से। इसके अंदर आप फिरनी डाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बादाम और ज़ाफ़रान के साथ इसे गार्निश कर लें। आपकी कश्मीरी फिरनी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।